नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट एडिक्टर में। मैं हूं आपके साथ चारू पारी। 9 दिसंबर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पहले मैच में 172 रनों का अच्छा खासा स्कोर बनाने के बावजूद भी इंडिया को 9 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए, लेकिन इस स्कोर को इंडिया की बॉलर्स डिफेंड नहीं कर पाई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ने 3 ओवर पूरे होने से पहले ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। एलिसा पेरी की बॉल पर शिफाली वर्मा 21 के स्कोर पर आउट हो गईं। इसके बाद वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने पारी को थोड़ा संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर जैमिमा रॉड्रिक्स बिना खाता खोले एलिसा पेरी की शिकार हो गई। इसके बाद कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने भी अपनी टीम के लिए कुछ रन जुटाए, लेकिन तभी 8वें ओवर में स्मृति मंधाना 28 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठी। फिर सभी की उम्मीदें कप्तान हरमनप्रीत कौर पर जा टिकी, लेकिन वो भी बड़ा कमाल नहीं कर सकी और 12वें ओवर में 21 रन बनाकर आउट हो गई। जैसे ही इंडिया की टीम संभलने की कोशिश करती, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंडिया पर भारी पड़ती हुई नजर आती। इंडिया ने रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गंवाए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन बैटर्स ने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया। देविका वैद्य ने 24 बॉल पर 25 रन की नाबाद पारी खेली और इस पारी में उन्होंने एक चौका और एक छक्का भी लगाया। वहीं अच्छी फॉर्म में दिख रही ऋचा घोष ने भी एक अच्छी पारी खेली। ऋचा ने 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 बॉल पर 36 रनों की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन इसके बाद 17वें ओवर में वो भी अपना विकेट खो बैठी। इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर अपनी पारी से सभी को इम्प्रेस कर लिया। दीप्ति ने सिर्फ 15 बॉल्स में 240 की स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन बना डाले और इंडिया को 172 के टोटल तक पहुंचने में मदद की। इस पारी में दीप्ति ने 8 चौके लगा डाले। हालांकि 172 का स्कोर काफी अच्छा लग रहा था और लगा कि इंडिया इस स्कोर को डिफेंड कर लेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने इंडिया को दूसरी पारी में हावी होने का कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ 1 विकेट खोकर 18.1 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने ये टारगेट चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी अच्छी रही। ओपनिंग पर उतरी बैथ मूनी ने 89 रन की तूफानी पारी खेली। 57 बॉल में 16 चौकों की मदद से मूनी ने ये बड़ा स्कोर बना डाला और बिना विकेट गवाए अपनी टीम को जीत दिलाकर वापस लौटी। इसके अलावा तहलिया मैग्रा ने भी 40 रन की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम की जीत पक्की की। इंडियन बॉलर्स सिर्फ एक ही विकेट ले पाए और ये सफलता मिली देविका वैद्य को। देविका ने 9वें ओवर की लास्ट बॉल पर एलिसा हिली को 37 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचा दिया, लेकिन इसके अलावा कोई भी बॉलर एक भी विकेट नहीं ले पाई और 9 विकेट से इंडिया ने ये मैच गंवा दिया। हालांकि अभी इस सीरीज में 4 मैचेस बाकी हैं और इंडिया के पास पूरा मौका है सीरीज में वापसी करने का। अब दूसरा T20 इंटरनेशनल 11 दिसंबर को खेला जाना है। देखना होगा कि क्या इंडियन टीम दूसरे मुकाबले में पहली हार का बदला ले पाती है। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की टीम इस सीरीज में वापसी कर पाएगी? कमेंट करके अपने व्यूज हमें जरूर बताइए और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।